Hello, my dear students. I welcome you again to watch this channel beta. Today we are going to discuss next topic of our chapter, that is classification of polymers. हम discuss कर रहे थे, आज हम discuss करेंगे बेटा based upon sources of availability and based upon structure. Two classifications पर base होके हम polymers को डिस्कस करेंगे बेटा आज यहाँ पर. ओके, तो बेस्ड अपॉन सोर्सेज ऑफ अवेलेबिलिटी एंड नेक्स्ट इज बेस्ड अपॉन स्ट्रक्चर. तो ये टू टाइप्स की क्लासिफिकेशन हम डिस्कस करेंगे आज बेटा इस लेक्चर में. तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस बेस्ड अपॉन सोर्सेज ऑफ अवेलेबिलिटी और वी कैन से ओरिजन. ओरिजन पर बेस होकर बेटा पॉलीमर्स आर डिवाइडेड इन थ्री टाइप्स में डिवाइड किया जाता है पॉलीमर्स को. फर्स्ट इज नेचुरल पॉलीमर्स, सेकेंड बेटा सिंथेटिक पॉलीमर्स, थर्ड बेटा सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स. तो थ्री टाइप्स के पॉलीमर्स होते हैं based upon sources of availability. So discuss these one by one. First of all, what do you mean by natural polymers? Natural polymers क्या होते हैं बेटा? Name से पता चल रहा है natural polymers mean nature से obtained हो. Mean those polymers which are obtained from natural sources. Natural sources क्या? Like plants and animals. ये natural sources है बेटा. तो क्या होंगे? Those polymers which are obtained from natural sources are called natural polymers. Natural sources क्या? Like plants and animals. Okay बेटा, इनसे अगर ऑब्टेन होते हैं, इनसे अगर मिलते हैं हमें, तो इस टाइप के पॉलीमर्स को हम नेचुरल पॉलीमर्स बोलेंगे. क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं बेटा? एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल पॉलीमर्स, नेचुरल रबर कर चुके हैं हम पहले डिस्कस. नेचुरल रबर और वी कैन से पॉली आइसोप्रीन हो चुका है बेटा, ये डिस्कस हो चुका है. अनदर एग्जाम्पल हो सकता है बेटा स्टार्च. अनदर एग्जाम्पल हो सकता है बेटा सेलुलोज. दीज स्टार्च एंड सेलुलोज वी डिस्कस इन बेटा बायोमोलिक्यूल का चैप्टर आपके सिलेबस में, उसमें हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे. पहले कार्बोहाइड्रेट्स डिस्कस किया जाएगा. कार्बोहाइड्रेट की नॉलेज होने के बाद हम स्टार्च और सेलुलोज को डिस्कस करेंगे, बिकॉज दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स, टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. ओके, बट दीज आर पॉलीमेरिक इन नेचर. तो पॉलीमर्स और नेचुरल पॉलीमर्स है बेटा. ओके, तो दीज नेचुरल रबर स्टार्च सेलुलोज दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ बेटा नेचुरल पॉलीमर्स. नेचुरल पॉलीमर्स के एग्जांपल. नाउ सेकंड टाइप ऑफ पॉलीमर्स वी आर गोइंग टू डिस्कस बेटा सिंथेटिक पॉलीमर्स क्या होते बेटा? नेम से पता चला सिंथेटिक मीन मैनमेड मीन प्रिपेयर्ड इन लैबोरेटरी बाय द यूज ऑफ केमिकल्स. ओके, सो दोज पॉलीमर्स व्हिच आर प्रिपेयर्ड इन लैब आर कॉल्ड लैब में प्रिपेयर किए जाते हैं बेटा आर कॉल्ड सिंथेटिक पॉलीमर्स. मीन नेचर से ऑब्टेन नहीं होते, लैब में प्रिपेयर किए जाएंगे बाय द यूज ऑफ सम केमिकल्स, बाय रिएक्टिंग विद अदर केमिकल सब्सटेंसेस विद ईच अदर. ओके, तो ऐसे पॉलीमर्स को हम बेटा सिंथेटिक पॉलीमर्स बोल सकते हैं. एग्जाम्पल क्या होंगे? बहुत सारे एग्जाम्पल हमने डिस्कस किए हैं अभी तक, वो सिंथेटिक पॉलीमर्स है. देखो क्या मैं नेम लिखता हूँ, लिख के दिखाता हूँ आपको. पॉलीथीन हो चुका, पॉलीप्रोपीन, देन टेफ्लॉन मीन PTFE, देन PVC, पेन, पॉलीस्टाइरीन, देन बेटा नाइलॉन्स है. नाइलॉन्स में क्या क्या? नाइलॉन 6, 6, 6, नाइलॉन 6, 10,
बोलो टेरिलिन पॉलिएस्टर्स में आ गए, ऑल दीज आर सिंथेटिक पॉलीमर्स बेटा पॉलिएस्टर्स में, टेरिलिन और डेक्रोन, ग्लिप्टल, देन रबर्स में आ गया बेटा मुना एन, मुना एस, नियोप्रीन। देखो कितने एग्जांपल हम कर चुके हैं डिस्कस, ऑल दीज एक्सेट्रा, ओके, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर, सभी के सभी सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं, कोई नेचर से ऑब्टेन नहीं होता है इनमें से बेटा, ओके। और वी कैन से पीएमएमए है ना, डिस्कस किया था पीएम पॉलीमिथाइल मिथाइल, ओके। तो देखो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं बेटा, ऑल दीज आर नेचुरल क्या नाम सिंथेटिक पॉलीमर्स, कोई भी एग्जांपल दे देना आप सब चलेंगे, ओके ना। नेक्स्ट लास्ट टाइप ऑफ दिस इज सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स, थर्ड टाइप ऑफ पॉलीमर्स वी आर गोइंग टू डिस्कस बेटा, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स क्या होते हैं, सेमी सिंथेटिक, नेम से पता चल रहा बेटा सेमी सिंथेटिक मीन 50% सिंथेटिक है, सेमी का मतलब आधा 50% है ना, 50% सिंथेटिक है तो 50% क्या होंगे, नेचुरल, सिंपल सा पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। ये पॉइंट अपने आप इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर कि सेमी सिंथेटिक मीन 50% सिंथेटिक हो गए, मीन 50% मैनमेड है वो, भाई 50% मैनमेड है तो 50% क्या रहेगा फिर, नेचुरल, मीन ऐसे पॉलीमर्स भाई जो नेचर से ऑब्टेन होते हैं बट देयर प्रॉपर्टीज आर मॉडिफाइड इन लैब बाय द यूज ऑफ सम केमिकल्स, ओके, आर कॉल्ड सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। तो थर्ड टाइप ऑफ पॉलीमर्स सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स क्या होगा बेटा, दोज पॉलीमर्स और दोज नेचुरल पॉलीमर्स, मीन इंडिकेट कर दिया हमने कि नेचुरल पॉलीमर्स, ओके, दोज नेचुरल पॉलीमर्स है तो नेचुरल ऑब्टेन तो नेचुरल होता है या फिर दोज पॉलीमर विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, ऐसे कर देते हैं बिल्कुल क्लेरिफाई हो जाएगा, है ना, आपकी मर्जी है दोज नेचुरल पॉलीमर से स्टार्ट कर दो या फिर दोज पॉलीमर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, जिनको हम नेचुरल पॉलीमर बोल रहे थे, बट देयर प्रॉपर्टीज आर मॉडिफाइड इन लेबोरेटरी बाय द यूज ऑफ सम केमिकल सब्सटेंसेस, बाय द यूज ऑफ सम केमिकल सब्सटेंसेस बेटा आर कॉल्ड सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स, उनको सेमी सिंथेटिक ऑब्टेन तो नेचर से हुए हैं बट उनकी प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई कर दिया गया है बाय द मॉडिफाइड इन लेबोरेटरी, कैसे, बाय द यूज ऑफ सम केमिकल सब्सटेंसेस, सम केमिकल सब्सटेंसेस का यूज करके उनके साथ रिएक्शन करवाकर उनके साथ मिक्स करवाकर उनको बेटा उनकी प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई कर दिया गया है, सच टाइप ऑफ पॉलीमर्स आर कॉल्ड सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स, उनको सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स बोलेंगे आप, ओके। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं बेटा, क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं सेमी सिंथेटिक, देखो फर्स्ट इज सेलुलोज डाइएसिटेट, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स, देखो कैसे, सेलुलोज नेचुरल पॉलीमर है, अभी थोड़ी देर पहले दिया था एग्जाम्पल, बट बेटा अगर सेलुलोज को हीट करें विद एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO All twice ohm. This is acetic anhydride. RCOOCOR-. है ना? याद आया कुछ? Acetic anhydride, acetylation हो गया बेटा. Acetylation. Heat किया इसको. Heated cellulose acetate with acetic anhydride. इसके साथ heat कर acetylation हो जाएगा. And two OH group से hydrogen को replace होके acetate group लग जाएंगे वहाँ पर बेटा. तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? Cellulose डाइएसिटेट, दिस इज बेटा एग्जाम्पल ऑफ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर का एग्जाम्पल है। सेकेंड एग्जाम्पल हम ले सकते हैं बेटा यहां पर वल्केनाइज्ड रबर, वल्केनाइज्ड रबर क्या होता है बेटा, वल्केनाइज्ड रबर, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स,
कैसे बनता बेटा? बेटा व्हेन नेचुरल रबर इज हीटेड विद सल्फर, नेचुरल रबर इज हीटेड विद सल्फर, सल्फर के साथ सल्फर डालते बेटा इसमें और हीट कर दिया, हीटेड विद सल्फर, सल्फर के साथ हीट करें दरवाजा अपन बेटा, जो नेचुरल रबर है दीज आर द डिफरेंट चेन्स, पॉलीमेरिक चेन इन द नेचुरल रबर बेटा, इनके बीच में क्या होगी, क्रॉस लिंकिंग हो जाएगी सल्फर से, सल्फर क्रॉस लिंकिंग इज फॉर्म्ड इन दिस वे, ये दिस सल्फर ऐसे लिंक हो जाएगी, सल्फर लिंकेज बन जाएगी इनके बीच में, ओके, डिफरेंट पॉलीमेरिक चेन्स थी जो नेचुरल रबर की, इनके बीच में सल्फर की लिंकेज हो जाएगी, इसकी वजह से इसकी प्रॉपर्टीज मॉडिफाई हो जाती है और जो नया रबर बनता है बेटा यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड वल्केनाइज्ड रबर, दिस इज कॉल्ड बेटा वल्केनाइज्ड रबर होता है बेटा ये, कि नेचुरल रबर को हीट करेंगे सल्फर, देन द रबर ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड वल्केनाइज्ड रबर, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वल्केनाइजेशन, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा हम, वल्केनाइजेशन, अगर पूछ लिया जाए कि व्हाट डू मीन बाय वल्केनाइजेशन, तो क्या बोलेंगे, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नेचुरल रबर इनटू वल्केनाइज्ड रबर बाय हीटिंग विद सल्फर इज कॉल्ड वल्केनाइजेशन, इसको वल्केनाइजेशन बोलते हैं बेटा, सिंपल, ओके, वल्केनाइज्ड रबर क्या होता है, द रबर ऑब्टेन्ड when natural rubber is heated with sulfur, this rubber obtained is called vulcanized rubber. अब vulcanization क्या होता है पूछ लिया जाता है, vulcanization, what do you mean by vulcanization, क्या होता है, S लिखो चाहे Z लिखो, ठीक है दोनों से, okay, क्या होगा बेटा, the process of converting natural rubber into वल्केनाइज्ड रबर बाय हीटिंग विद सल्फर, सल्फर के साथ हीट करके बेटा जो नेचुरल रबर को हम वल्केनाइज्ड रबर में कन्वर्ट करते हैं, दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नेचुरल रबर इनटू वल्केनाइज्ड रबर बाय हीटिंग विद सल्फर इज कॉल्ड वल्केनाइजेशन, इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं बेटा हम, वल्केनाइजेशन बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वल्केनाइजेशन, अब माने यहाँ लिंकेज दिखानी हो तो कैसे कैसे होगा वल्केनाइज्ड रबर में, इन दिस वे लिंकेज में दिखा रहा हूं, नेचुरल रबर की चेन याद है, नेचुरल रबर मोनोमर क्या था, 1,3,2-methyl-1,3-butadiene और इस टाइप से बना था, अगर आपको याद हो तो मैं दिखा देता हूँ, दिस CH3 क्या नाम CH2 देन C पर CH3 था, दिस देन बेटा ये सिंगल यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, then this is CH, then this is single bond CH, ये था, अरे भाई this 2-methyl याद हो तो आप लोगों को 1,3-butadiene ये था ना मोनोमर आइसोप्रीन, 2-methyl-1,3-butadiene 2, 3, 4 है ना, वैलेंसी सभी की पूरी है, अब क्या था इसमें पाई बॉन्ड डिसेट हो गए थे, पाई बॉन्ड डिसेट होने से आगे लिंकेज हो गई, याद हो तो आप लोगों को दिस आगे लिंक, ये पाई बॉन्ड डिसेट हुआ, आगे लिंकेज हो गई दिस और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया था दिस, ये पॉलीमेरिक चेन्स थे, ओके, इन केस ऑफ नेचुरल रबर, अब लिंकेज कैसे होगी, अगर इसको सल्फर के साथ हीट करेंगे व्हाट हैपन, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज होती है बेटा, या तो रिएक्टिंग साइड्स पर हो सकती है, ये रिएक्टिंग साइड्स है, या तो रिएक्टिंग साइड पर सल्फर लिंकेज हो सकती है, या फिर डबल बॉन्ड पर सल्फर लिंकेज हो सकती है, सल्फर लिंकेज कैन टेक प्लेस एट टू साइड्स, है ना, सल्फर लिंकेज कैन टेक प्लेस एट टू साइड्स, कौन सी, फर्स्ट कहां हो सकती है, एट रिएक्टिव साइड्स कौन सी, तो टर्मिनल कार्बन एटम्स हैं, ये रिएक्टिव साइड्स है, और सेकंड हो सकती है बेटा एट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स, एट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स, ओके, रिएक्टिव साइड्स कौन से, टर्मिनल कार्बन एटम्स है जो चेन के वहां पर हो सकता है, या फिर डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर हो सकता है, मीन आइदर दिस, एक एच हाइड्रोजन यहां से रिमूव हो जाए, एक हाइड्रोजन कार्बन इज टेट्रावलेंट, वैलेंस भी पूरी रखनी पड़ेगी, देन व्हाट हैपन, ये सल्फर लिंकेज हो गई, इस टाइप से आपने सल्फर लिंकेज शो कर दी यहां पर, ओके, यहां पर आप शो कर सकते हैं बेटा दिस इज सल्फर लिंकेज, दिस
यहाँ पर, नहीं तो आप इसके साथ भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि इसकी इसकी हो सल्फर लिंकेज, है ना, ये एक हाइड्रोजन यहाँ से कम कर देते हैं स्पोर्ट, यहाँ पर दिस इसकी सल्फर लिंकेज इसके साथ दिखा देते हैं, ये हो गया सल्फर लिंकेज, पॉइंट आ समझ में। तो रिएक्टिव साइड्स पर हो सकती है या फिर डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर भी हो सकती है, और एट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स कैसे, फिर से मैं लिख देता हूँ, सपोज दिस ये था सी एच टू एंड सो कौन चलता जाएगा, ये सी एच थ्री डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच टू एंड सो ऑन, सेकेंड चेन सी एच टू दिस सी पर सी एच थ्री डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच टू एंड सो ऑन, यहाँ पर ये पाई बॉन्ड डिसोसिएट हो जाए, व्हाट हैपन बेटा, सल्फर लिंकेज कैन टेक प्लेस हियर इन बिटवीन दीज कार्बन एटम्स, ओके। तो दीज आर द लिंकेजेस इन वल्केनाइज्ड रबर, ये लिंकेज किसमें है, दीज आर द लिंकेजेस इन वल्केनाइज्ड रबर, वल्केनाइज्ड रबर में इस टाइप से लिंकेज हो जाएगी, क्या इफेक्ट होगा सल्फर लिंकेज होने से, भाई जो नेचुरल रबर होता है बेटा, नेचुरल रबर इज स्टिकी एंड नॉन इलास्टिक इन नेचर और लेस इलास्टिक इन नेचर, है ना, खींच के छोड़ेंगे वही खींचा रहेगा, थोड़ा बहुत वापिस जाएगा, इलास्टिसिटी कम होती है, ओके। बट सल्फर लिंकेज होने से इंटर मोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएंगे, इंक्रीज बिटवीन द पॉलीमेरिक चेन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होंगे, तो जैसे ही हम फोर्स जो अप्लाई किया था हम रिलीज करेंगे, तो दिस चेन हैज अ पॉलीमेरिक चेन रिगेन देयर पोजीशन, पंडासन में अगर पोजीशन को रिगेन करेंगे मीन व्हाट हैपन, इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, मोर इलास्टिक हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएंगे ड्यू टू सल्फर लिंकेज, ड्यू टू दिस इट बिकम्स मोर इलास्टिक, एंड सेकंड ड्यू टू इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो स्टिकी नेचर थी इट कन्वर्ट इन नॉन स्टिकी नेचर, तो क्या बन जाता है, जो वल्केनाइज्ड रबर होता है बेटा, दिस वल्केनाइज्ड रबर इज नॉन स्टिकी होता है एंड मोर इलास्टिक, नॉन स्टिकी एंड मोर इलास्टिक होता है दिस वल्केनाइज्ड रबर, ओके बेटा। अब थोड़े से यूजेस कर लेते हैं इस वल्केनाइज्ड रबर के, कोई डिफरेंट टाइप के वल्केनाइज्ड रबर है, ये नहीं कि एक ही टाइप का वल्केनाइज्ड रबर है, वल्केनाइज्ड रबर तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, हमने कहा सल्फर के साथ हीट करेंगे, अब सल्फर कितना है, डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट में हम सल्फर मिक्स कर सकते हैं मेटल के साथ, ओके। तो वल्केनाइज्ड रबर फिर डिफरेंट टाइप्स के पॉसिबल होंगे, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट नेम हो सकते हैं, ओके। डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट ऑफ सल्फर के साथ हीट करेंगे, डिफरेंट यूजेस होंगे उसके, बट है सारे वो वल्केनाइज्ड रबर, ओके। हाँ जी, uses of vulcanized rubbers, क्या uses होते हैं, uses of vulcanized rubber, क्या uses हो सकते हैं बेटा, टायर वगैरह फॉर्मेशन में होता है बेटा, एबोनाइट रोड होती है बेटा, ओके। तो डिफरेंट यूजेस होते हैं इसके, देखिए तो मैं बता रहा हूं कि वल्केनाइज्ड रबर बनता कब है, जब हम नेचुरल रबर को हीट करते हैं विद सल्फर, ओके। तो व्हेन नेचुरल रबर इज हीटेड विद कितने परसेंट सल्फर के साथ, वो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स दिख रहा हूं बेटा, 5% सल्फर के साथ अगर हीट करेंगे इसको, देन इट इज यूज्ड, जो वल्केनाइज्ड रबर बनेगा, देन The vulcanized rubber formed is used in tire rubber, used in making tire rubber. Tire वगैरह का rubber होता है ना, तो tire का rubber जिसे tire बनते हैं वो बनाने में use होगा बेटा, first case में लिखा है यहाँ पर, okay? हाँ जी, देखो now. सेकेंड हम एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पर, सेकेंड केस हम ले सकते हैं बेटा यहाँ पर, सेकेंड केस कि बेटा अगर 22-25% सल्फर के साथ अगर हीट करें इसको, देन दिस वल्केनाइज्ड रबर इज यूज्ड इन मेकिंग एबोनाइट, एट दैट टाइम इट इज यूज्ड इन मेकिंग एबोनाइट, एबोनाइट रोड होती थी, आप बेटा 6th क्लासेस में एक एक्सपेरिमेंट करते थे, छोटे छोटे पेज के पीसीज आपने कर लिए है ना, और ऐसे एबोनाइट रोड एक्टिविटी होती थी साइंस में, ठीक है ना, ऐसे रब करेंगे वो पेजेस की तरफ लेके जाएंगे, इट गेट चार्ज, ड्यू टू रब करने से क्या होगा, इट गेट चार्ज, फ्रिक्शन होगा, चार्ज क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर, ओके, और उन पेजेस के पीसीज को उठाती है वो, ऐसे ऐसे एक्टिविटी होती थी 6th क्लासेज में, ओके, साइंस के अंदर। तो जो एक्चुअल प्रैक्टिस में जो एक्टिविटी की जाती है, वैसे तो आप तो पेन से भी कर लेते हैं, एक्चुअल प्रैक्टिस में जो एक्टिविटी की जाती है, दैट इज
फ्रॉम एबोनाइट, एबोनाइट रॉक्स, ओके, एबोनाइट होती है। एबोनाइट होता क्या है बेटा, जब नेचुरल रबर को 20-25% सल्फर के साथ हीट करेंगे देन इट कन्वर्ट इन एबोनाइट, तो ये एबोनाइट में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, अंडरस्टैंड क्या पॉइंट। बट व्हेन नेचुरल रबर इज हीटेड विद 30% सल्फर देन दिस इज यूज्ड इन फॉर्मिंग बैटरी केस, अरे जो बैटरी वगैरह के रखने के जगह आती है ना, बैटरी केस आते हैं प्लास्टिक के बने होते हैं, ओके, लेट स्टोरेज बैटरी वगैरह रखते हैं हम या फिर अदर बैटरीज रखते हैं हम, ओके, बैटरी केस बनाने का काम आते हैं। कब, अगर 30% सल्फर के साथ हीट करेंगे तो, थर्ड केस, इफ इट इज हीटेड विद 30% सल्फर देन इट इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ बैटरी केस, बैटरी केस, ठीक है। तो दीज आर यूजेज है बेटा, दीज आर द यूजेज ऑफ वल्केनाइज्ड रबर, ये वल्केनाइज्ड रबर के यूजेज थे, अंडरस्टैंड किया पॉइंट आपने। नाउ नेक्स्ट क्लासिफिकेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस बेटा, बेस्ड अपॉन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर पर बेस होके हम क्लासिफाई कर सकते हैं टू दिस पॉलीमर्स। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बेटा, बेस्ड अपॉन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर पर बेस्ड होके वी कैन डिवाइड पॉलीमर्स इसमें अगेन इन थ्री टाइप्स, लीनियर चेन, ब्रांच चेन एंड क्रॉस लिंक पॉलीमर्स। अगेन बेटा, बेस्ड अपॉन स्ट्रक्चर वी कैन डिवाइड पॉलीमर्स इन थ्री टाइप्स, थ्री टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बेटा, बेस्ड अपॉन स्ट्रक्चर, थर्ड वाली है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, बेस्ड अपॉन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर पर बेस्ड होकर बेटा दीज आर डिवाइडेड इन थ्री टाइप्स। फर्स्ट इज लीनियर पॉलीमर्स और लीनियर चेन पॉलीमर्स, सेकेंड बेटा ब्रांच्ड चेन पॉलीमर्स एंड थर्ड बेटा क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स आर ऑल्सो कॉल्ड बेटा थ्री डायमेंशनल नेटवर्क पॉलीमर्स, थ्री डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर बना देते हैं बेटा ये, अंडरस्टैंड क्या पॉइंट, थ्री डायमेंशनल नेटवर्क पॉलीमर्स और वी कैन से बेटा क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स, ये हो गए बेटा यहाँ पर, ओके। अब इनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन, सिंपल है बिल्कुल, कुछ भी बड़ी बात नहीं है। फर्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा लीनियर पॉलीमर्स, व्हाट इज मीन बाय लीनियर पॉलीमर्स, नेम से पता चलता है लीनियर पॉलीमर मीन पॉलीमरिक चेन कैसी होगी, स्ट्रेट चेन होगी, स्ट्रेट पॉलीमरिक चेन हो ऐसे पॉलीमर्स को हम लीनियर चेन पॉलीमर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, दोज पॉलीमर्स, दोज पॉलीमर्स which have straight polymeric chain, straight polymeric chains are called beta linear chain polymers, इनको बेटा हम लीनियर चेन पॉलीमर बोलेंगे, जिनमें स्ट्रेट पॉलीमेरिक चेन हो उनको हम लीनियर चेन पॉलीमर बोल सकते हैं, ओके। तो फिर क्या एग्जांपल हो सकते हैं बेटा लीनियर चेन पॉलीमर्स के, व्हाट आर द पॉसिबल एग्जांपल्स ऑफ लीनियर चेन पॉलीमर्स, बेस्ट एग्जांपल जो मैं दे रहा हूँ यहाँ पर दैट इज एचडीपी, हाई डेंसिटी पॉलीथीन और एलडीपी, अदर एग्जांपल्स भी पॉसिबल है बेटा, पीवीसी एग्जांपल्स, पॉलीविनाइल क्लोराइड है बेटा, पॉलीविनाइल क्लोराइड इज द एग्जांपल ऑफ किसका, लीनियर चेन पॉलीमर का एग्जांपल होता है बेटा पॉलीविनाइल क्लोराइड है, दिस इज एग्जांपल ऑफ लीनियर चेन पॉलीमर होता है बेटा, ओके। और वी कैन से बेटा अनदर एग्जांपल जो नायलॉन्स थे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं नायलॉन्स की, नायलॉन्स, ऑल नायलॉन्स जितने भी हैं, ऑल दीज आर एग्जांपल ऑफ लीनियर चेन पॉलीमर्स के एग्जांपल है बेटा, पॉलिएस्टर्स, पॉलिएस्टर्स, पॉलिएस्टर में टेरिलीन एंड ग्लिप्टल दोनों के दोनों इसमें आते हैं बेटा, दीज आर ऑल्सो एग्जांपल्स ऑफ लीनियर चेन पॉलीमर्स। अब मैं बता रहा था आपको हाई डेंसिटी पॉलीथीन एचडीपी और वी कैन से एचडीपीई, क्या होता है ये, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन और वी कैन से अगर पीई लिखा है तो क्या बोलेंगे, हाई डेंसिटी पॉलीथीन बोल सकते या पॉलीइथाइलीन बोल सकते हैं, अंडरस्टैंड क्या पाए, हाई डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलीन या हाई डेंसिटी पॉलीइथीन, ओके।
कैसे बनता है, हाउ वी कैन प्रिपेयर दिस हाई डेंसिटी पॉलीथिन। बिल्कुल सिंपल, बट कंडीशन थोड़ी याद रखनी पड़ेगी हाई डेंसिटी के लिए। हाई डेंसिटी पॉलीथिन में क्या होगा, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है, गिवन वॉल्यूम के अंदर, इन दिस गिवन वॉल्यूम मास इज मोर। जितना ज्यादा इंक्रीज होता जाएगा मास, डेंसिटी भी क्या होती जाएगी बेटा, इंक्रीज। मीन गिवन वॉल्यूम के अंदर मास ज्यादा, मास ज्यादा इसका मतलब पैकिंग इज वेरी क्लोज, क्लोजली पैक। क्लोजली पैक कब होंगी चेन, पॉलीमेरिक चेन, जब कोई ब्रांचिंग ना हो उसके अंदर, स्ट्रेट चेन। अंडरस्टैंड क्या पॉइंट, स्ट्रेट चेन होंगी तो व्हाट हैपन, दिस पॉलीमेरिक चेन कम वेरी वेरी नियर टू ईच अदर, पैक क्लोजली, क्लोजली पैक होंगी। जितनी क्लोजली पैक होंगे मास ज्यादा आएगा गिवन वॉल्यूम के अंदर, डेंसिटी बढ़ती जाएगी। अंडरस्टैंड क्या पॉइंट, ओके। नाउ कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं बेटा इसको, हाउ वी कैन प्रिपेयर दिस, व्हेन इथीन पॉलीथीन, पॉलीइथीन मोनोमर क्या होता है, इथीन पहले डिस्कस कर चुके हैं बेटा, इथीन इज द मोनोमर, बेसिक थिंग। एंड मोनोमर लिया आपने इथीन के, कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी क्या, इफ इट इज हीटेड एट अबाउट 333 to 343 केल्विन टेम्परेचर, 6 to 7 एटमोस्फियर प्रेशर, इन कंडीशन पर हीट करें हम इनको, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ जिग्लर नाटा कैटालिस्ट, जिग्लर नाटा कैटालिस्ट क्या होता है, जिग्लर नाटा कैटालिस्ट बेटा, दिस इज मिक्सचर ऑफ ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम CH3CH2 होल थ्राइस Al एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड TiCl4, इन दोनों का मिक्सचर होता है जिग्लर नाटा कैटालिस्ट। ओके, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, इन दोनों का मिक्सचर होता है बेटा जिग्लर नाटा कैटालिस्ट। इसके साथ हम इसको हीट करेंगे, हीट करने से कुछ भी नहीं, पाई बॉन्ड डिसोसिएट एंड व्हाट हैपेंस बेटा, कन्वर्ट इन लीनियर पॉलीमेरिक चेन्स, पॉलीथीन HDPE और वी कैन से HDPE हाई डेंसिटी पॉलीइथीन और वी कैन से हाई डेंसिटी पॉलीथीन। तो दीज आर दी एग्जांपल्स ऑफ लीनियर चेन पॉलीमर्स, लीनियर चेन पॉलीमर्स के एग्जांपल है बेटा ये। वन मोर एग्जांपल वी कैन डिस्कस है, दैट इज बेटा नोवोलैक। नोवोलैक इज आल्सो एग्जांपल ऑफ लीनियर चेन पॉलीमर्स, बट इसकी प्रिपरेशन यहां नहीं करेंगे हम, इसकी प्रिपरेशन क्रॉस लिंक्ड में करेंगे। ओके, क्रॉस लिंक्ड में जब मैं बैकेलाइट करवाऊंगा, बैकेलाइट बनते हुए ये इंटरमीडिएट बनेगा वहां पर, पहले ये बनेगा तो वहीं पर हो जाएगी साथ ही साथ इसकी प्रिपरेशन, मैं वहां पर समझाऊंगा, आप यहां पर नोट कर देना इसको बाद में फिर, ठीक है बेटा। जब आप थर्ड टाइप डिस्कस कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि नोवोलैक की स्ट्रक्चर क्या है, कैसे बनेगा नोवोलैक, क्या होता है नोवोलैक, बट दिस इज एग्जांपल ऑफ लीनियर चेन पॉलीमर्स। ओके बेटा, नाउ सेकंड टाइप वी आर गोइंग टू डिस्कस ब्रांच चेन पॉलीमर्स, ब्रांच चेन पॉलीमर्स, नेम से पता चल रहा है ब्रांच चेन, मीन चेन में क्या होगी ब्रांचिंग, मेन पॉलीमेरिक चेन के अंदर क्या होगी ब्रांचिंग होगी बेटा। ओके, then such type of polymers are called branch chain polymers, उनको branch chain polymers बोलेंगे बेटा। Okay, second branched chain polymers, branched chain polymers क्या होंगे branch chain polymers, those polymers which have branching in the main chain, main polymeric chain के अंदर बेटा branching हो, such type of polymers are called बेटा branch chain polymers, उनको हम क्या बोलेंगे ब्रांच चेन पॉलीमर्स बोलेंगे। अब ब्रांच चेन पॉलीमर्स के एग्जांपल क्या हो सकते हैं, अगर एचडीपी हमने डिस्कस किया बेटा लीनियर चेन पॉलीमर में, तो एलडीपी और एलडीपीई को हम ब्रांच चेन पॉलीमर में ले सकते हैं। चलो बेस्ट एग्जांपल जो होगा यहां पर इनका एलडीपी और वी कैन से एलडीपीई, क्या है ये लो density polythene or we can say low density polyethylene, this LDP कैसे बनता है, ये बेटा बनाने के लिए इथीन मॉलिक्यूल्स हैं जो
इनको हीट करेंगे इथीन मॉलिक्यूल्स को, आर हीटेड अराउंड भाई 350 टू 370 केल्विन टेम्परेचर एंड 1000 टू 2000 एटमॉस्फेयर प्रेशर, ये कंडीशंस होंगे, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड, परोक्साइड ले लो या फिर ऑक्सीजन, इसकी प्रेजेंस में हीट करेंगे तब जाकर बनेगा भाई। अगर ये कंडीशन सारी कंडीशन हम अप्लाई करेंगे देन व्हाट हैपन, इथीन कैन कन्वर्ट इन एलडीपी की और एलडीपी। कैसे? सपोज हम मान लेते हैं कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ इथीन कंबाइन करते हैं एंड फॉर्म दिस, स्टार्टिंग में ये ले लेते हैं कि ये लीनियर चेन पॉलीमर बना हुआ है CH2 CH2 CH2, सपोज दिस, ये चलता गया एंड सो ऑन। क्या इसके साथ अगर हम कोई फर्दर इसी का ही अनदर कोई पॉलीमर इसके साथ ऐड कर देते हैं बेटा, अनदर फ्रेगमेंट ऑफ पॉलीमर, छोटा पार्ट है, छोटा पार्ट है कोई पॉलीमर का, पॉलीमर चेन चलती जा रही है, इसमें भी रिएक्शन चल रही है, बॉन्ड ब्रेक हो गई है, आगे लिंकेज चल रही है इसमें भी, इसके साथ अगर इसको ऐड करवाएं तो व्हाट हैपन, देखो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। CH2 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 इन कंडीशन के अंदर, के अंडर दीज कंडीशन कौन सी है, 350 टू 370 केल्विन टेम्परेचर, 1000 टू 2000 एटमोस्फियर प्रेशर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड, अंडर दीज कंडीशन व्हाट हैपन बेटा, These carbon hydrogen bonds, ये carbon hydrogen bonds को हमने consider कर लिया बेटा, these carbon hydrogen bonds may convert in, may dissociate homolytically, ये bond dissociate हो गया homolytically, suppose one electron is here, another is here, okay, what happen, अगर ये dissociate होगा तो acidical निकलेगा, acidical इसके साथ combine कर जाएगा, क्या निकल गया यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर by product ले लूँ इसके केस में बेटा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये जो acidical इसके साथ लगेगा and this CH2 अगर पॉलीमर बन गया ये मतलब MCS3 चलती जाएगी, ये बाय प्रोडक्ट निकाल दिया हमने, बच गया क्या ये एक चेन बच गई यहाँ पर, दिस CH2 देन दिस इज CH रेडिकल देन CH2 एंड देन CH2 एंड सो ऑन, ये चल रहा था। ओके नाउ अब अगर इसके साथ फर्दर हम ऐड कर दें अनदर मॉलिक्यूल ऑफ इथीन, अनदर मॉलिक्यूल ऑफ इथीन इसके साथ ऐड करते हैं, हीट करते जाए अनदर मॉलिक्यूल ऑफ इथीन, ऑफ इथीन डाल दिया इसके अंदर, अंडर दीज सिंगल कंडीशन, कंडीशन यही है रिएक्शन मिक्सर के अंदर रिएक्शन चल रही है, ओके बेटा, देन व्हाट हैपन, इथीन पड़ा है कोई मॉलिक्यूल और इसके साथ रिएक्शन करते, व्हाट हैपन, क्या हो सकता है, पाई बॉन्ड डिसेट होगा और इसके साथ लिंकेज में आ जाएगा, अंडरस्टैंड किया पॉइंट, इट कैन यूज इन दिस लिंकेज, ब्रांचिंग में आ सकता है बेटा, यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ रिएक्शन, नीचे प्रॉब्लम आएगी ब्रांचिंग शो करते हुए, देखिए this is CH2, this, what happened बेटा, अगर CH2 double bond, CH2, yes, another molecule of ethene, under these conditions, condition same लगा दिया, फिर से यही condition लगा दी बेटा हमने यहाँ पर, then what happened, under these condition, what happened, this pi bond can dissociate homolytically, one electron here, another here, इसके साथ linkage बन जाएगी यहाँ पर, क्या बनेगा देखो, this, CH2, CH, CH पर क्या लग गया, CH2, CH2, and so on, चलता जाएगा ये, रेडिकल बच गया ना, या रेडिकल या भी लिंक हो सकता है, नो प्रॉब्लम, चलता जाएगा, देन दिस CH2 देन CH2 एंड सो ऑन, चलता गया फर्दर, और ज्यादा ब्रांचिंग शो करनी है तो फिर से आप इसके साथ फर्दर रिएक्शन शो कर सकते हैं बेटा, और आपने अनदर मॉलिक्यूल ऐड करवा दिया इस पर CH2 का, CH2 डबल बॉन्ड CH2, देन व्हाट हैपन, आप यहां पर ब्रांचिंग इसी में लेंथ इंक्रीज कर दो या अनदर जगह अनदर साइड पर अनदर कार्बन पे आप ब्रांचिंग शो कर सकते हैं, देन व्हाट हैपन, अंडर दीज कंडीशंस अगेन we get this CH2, CH, CH पर CH2, CH2, and so on, this is, suppose यहाँ पर मैंने branching करवा दी, CH2, CH2, and so on, ये चलता जाएगा, understand क्या point, okay, this, then this CH2, and so on, this one, okay बेटा, तो इस type से हम branching show कर सकते हैं इसके अंदर, this is LDPE, low density, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग शो करोगे उतनी density डिक्रीज होती जाएगी, है ना, आप ये कहो कि सर डायरेक्टली कैसे आ गया यहाँ पर, तो CH2 था यहाँ CH, H का कहाँ चला गया, इसी टाइप से मैं कह रहा हूँ बेटा, अनदर समुद्र मॉलिक्यूल है, ये कर गया इसके साथ रिएक्शन, एच रेडिकल ले लिया इसने, CH2 डो टाइप सो ऑन CH चलता जाएगा, वो इस टाइप से निकाल दिया हमने, उसके बाद फिर से इसकी रिएक्शन करवा दिया, इस टाइप से ब्रांचिंग आ जाएगी यहाँ पर, ओके, मेन
अल्टीमेटली आप शो कर सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद आया कि रिएक्शन दिखा दिया आपने, यहाँ पर आए हैं आप, ओके ये आ गया। इसके बाद आपको पता चलेगा कि ये कैसे कन्वर्ट हुआ था, ओके दैट एंड दिस मीन दैट इफ वी शो फर्दर एडिशन ऑफ दिस इथिन मॉलिक्यूल्स है देन मोर एंड मोर ब्रांचिंग टेक्स प्लेस। दिस इज एलडीपीई लो डेंसिटी पॉलीथीन और एलडीपी और लो डेंसिटी पॉलीथीन, ओके। सो दिस इज लो डेंसिटी ब्रांचिंग आ गई मेन चेन के अंदर, लो डेंसिटी पॉलीथीन हो गया बेटा ये। नाउ नेक्स्ट थर्ड टाइप वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स, थर्ड टाइप बेस्ड अपॉन दिस स्ट्रक्चर पर बेस होकर बेटा वी आर गोइंग टू डिस्कस थर्ड टाइप ऑफ पॉलीमर्स। थर्ड टाइप ऑफ पॉलीमर्स हम डिस्कस करते जा रहे हैं बेटा यहाँ पर, व्हाट वी गेट, क्या मिलेगा हमें, देखिए थर्ड टाइप ऑफ पॉलीमर्स। हाँ जी थर्ड टाइप ऑफ पॉलीमर्स क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स और वी कैन से थ्री डायमेंशन नेटवर्क पॉलीमर्स, थ्री डायमेंशन नेटवर्क स्ट्रक्चर बना लेते हैं बेटा ये, ओके क्रॉस लिंक पॉलीमर्स। हाउ वी कैन डिस्कस दिस, क्या होगा कैसे इनको डिस्कस करें, नेम से पता चला क्रॉस लिंकिंग मीन दोज पॉलीमर्स विच हैव क्रॉस लिंकिंग बिटवीन पॉलीमेरिक चेन, पॉलीमेरिक चेन के अंदर क्रॉस लिंकेज बन जाए एंड फ्रॉम थ्री डायमेंशन नेटवर्क स्ट्रक्चर। क्रॉस लिंकिंग बनने के बाद कैसे स्ट्रक्चर बनाए, थ्री डायमेंशन नेटवर्क स्ट्रक्चर बना दे, सच टाइप पॉलीमर्स आर कॉल्ड क्रॉस लिंक पॉलीमर्स, ओके। Those polymers in which different polymeric chains are cross-linked with each other and form three-dimensional network structure, okay? या फिर ऐसे करते, those polymers which have cross-linking, बात वही है, cross-linking between पॉलीमेरिक चेन के बीच में क्या होगी क्रॉस लिंकिंग एंड फॉर्म क्या थ्री डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर आर कॉल्ड क्रॉस लिंक पॉलीमर्स और थ्री डी नेटवर्क स्ट्रक्चर पॉलीमर्स, ओके। क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं बेटा, डिफरेंट एग्जाम्पल पॉसिबल है बेटा यहाँ पर, बेकेलाइट, देन वी कैन से बेटा मेलेमाइन और मेलडिहाइड्रेट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मेलमैक, मेलमैक भी बोलते हैं। अनदर एग्जाम्पल जो पॉसिबल है बेटा यहाँ पर यूरिया फॉर मेलडिहाइड्रेट, यूरिया फॉर मेलडिहाइड्रेजन, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बेटा क्रॉस लिंक पॉलीमर्स के एग्जाम्पल है। फिनॉल इज ऑल्सो कॉल्ड फिनॉल, दिस बेकेलाइट इज ऑल्सो कॉल्ड फिनॉल फॉर मेलडिहाइड्रेजन, फिनॉल फॉर एल्डिहाइड रेजिन, इसके फिनॉल फॉर मेलडिहाइड्रेजन बोलते हैं, अनदर नेम ऑफ दिस बेकेलाइट इज, ओके। तो दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ बेटा क्रॉस लिंक पॉलीमर्स, क्रॉस लिंक पॉलीमर्स का एग्जाम्पल है। इन तीनों को डिस्कस करते हैं वन बाय वन, ये अभी तक हमें प्रिपरेशन नहीं की है, ओके तो ये डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू, इनकी प्रिपरेशन करेंगे, इनकी यूजेस भी करेंगे यहाँ पर, क्योंकि या ना तो इनकी प्रिपरेशन की हमने अभी तक, ना इनकी यूजेस किए हैं, ओके न्यू है आपके लिए, न्यू एग्जाम्पल्स हैं। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट बेकेलाइट, बेकेलाइट हाउ वी कैन प्रिपेयर बेकेलाइट, देखिए बेकेलाइट फर्स्ट एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर बेकेलाइट, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉलीमर है बेकेलाइट बेटा। व्हाट आर द मोनोमर्स, क्या मोनोमर्स होते हैं इसके, अभी नेम से पता चल रहा था, इसको क्या बोलते हैं, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, ये होता है बेटा बेकेलाइट इज फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, ओके। रेजिन मीन थ्री डी स्ट्रक्चर ही बना रहे हैं ये, ओके हाँ जी नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस ऐसे पॉलीमर्स को रेजिन बोलेंगे हम यहाँ पर, उनके लिए यूज किया जाता है। फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड दीज आर द टू मोनोमर्स, नेम से पता चलता है मोनोमर्स क्या होगा बेटा, फर्स्ट इज फिनॉल एंड सेकेंड इज फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। फिनॉल क्या होता है बेटा, बेंजीन पर OH, दिस इज फिनॉल, फॉर्मेल्डिहाइड बेटा HCHO, दिस इज क्या
अब कैसे प्रिपरेशन शो करें, पहले जो मोनोमर्स है फिनोल एंड फॉर्मलडिहाइड, ये रिएक्शन करके इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बनाएंगे, वो इंटरमीडिएट कंपाउंड्स आपस में रिएक्शन करके फिर फर्दर भाई बेकलाइट बना सकते हैं। ओके, देखो कैसे फिनोल एंड फॉर्मलडिहाइड फर्स्ट ऑफ ऑल कंबाइन विद ईच अदर, दोनों आपस में दूसरे साथ कंबाइन करेंगे, क्या करेंगे देखो बेटा यहाँ पर, हाउ दिस रिएक्शन इज पॉसिबल भाई, भाई यू नो वेरी वेल बेटा फिनोल इज ऑर्थो पैरा एक्टिंग, क्या होगा ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐसे ये ड्यू टू रेजोनेंस दीज इलेक्ट्रॉन्स कम हेयर दीज पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हेयर, यहाँ पर ये अटैक करेंगे एट दिस कार्बन कार्बन, दिस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन रिच साइट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट, अल्टीमेटली हमें यहाँ पर मैकेनिज्म डिस्कस नहीं करना कि कैसे ट्रांसफर हुआ, इसलिए मैं डायरेक्ट शो कर रहा हूँ यहाँ पर कि दीज पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये दो, ये पाई इलेक्ट्रॉन देख ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कलेक्ट होंगे एंड देन अटैक हेयर क्या बनेगा अल्टीमेटली भाई, ये अगर पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएंगे इसके तो यहाँ पर बॉन्ड चार्ज आना चाहिए, यहाँ पर हाइड्रोजन होता बेटा ऑलरेडी डीप्रोटोनेशन होगा दोबारा से डबल बॉन्ड बन जाता है यहाँ पर। ओके अल्टीमेटली मैं आपको फाइनल प्रोडक्ट्स बता रहा हूँ यहाँ पर क्या बनेंगे, 11th क्लास में हमने मैकेनिज्म किया हुआ है। ओके दिस डबल बॉन्ड रीजनरेट करवा दिया मैंने साथ के साथ यहाँ पर, दिस इज क्या बन गया सी एच टू ओ नेगेटिव, यहाँ से एच पॉजिटिव निकल गया। ओके सी एच टू ओ एच दिस ortho, this is phenol, benzene पर बच गया phenol, ortho पर क्या हो गया CH2OH, अगर CH3 होता तो methyl होता, methyl में क्या हुआ है, methyl में से one hydrogen atom is replaced by OH group, OH group से तो hydroxy methyl, ये क्या बेटा this is hydroxy methyl, ये hydroxy methyl group है, कौन सी position पर OH के दूसरे को ortho, तो क्या बन गया ortho hydroxy मिथाइल फिनोल बेंजीन पर होगा दिस प्लस साथ में क्या बना प्लस साथ में क्या बन गया बेटा सिमिलरली भाई ओएच ग्रुप में बोल रहा था कि ऑर्थो पैरा एक्टिंग ऑर्थो में जाएगा तो पैरा भी जा सकता है सेम तो क्या बन जाएगा ओएच ग्रुप दिस एंड सिमिलरली एट पैरा पोजीशन पर भी CH2OH ग्रुप लग सकता है दिस ये क्या बन गया बेटा पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल दीज टू इंटरमीडिएट कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। अब बेटा मैंने कहा था आपको कि लीनियर चेन पॉलीमर्स का एक एग्जांपल होता है दैट इज कॉल्ड नोवोलाइक, कि नोवोलाइक मैंने कहा था बेकलाइक की प्रिपरेशन बताऊंगा, अगर अगर नोवोलाइक आ जाए आपसे मोनोमर पूछे जाए तो नोवोलाइक के मोनोमर भी यही होते हैं फिनोल एंड फॉर्मलडिहाइड नोवोलाइक के मोनोमर। ओके तो पहले मैं आपको नोवोलाइक बता रहा हूँ उसके बाद हम बेकलाइट की तरफ चलेंगे, तो नोवोलाइक कैसे बनेगा आप देखो पहले नोवोलाइक हाउ यू कैन प्रिपेयर नोवोलाइक, इसी में ही अलग से बता रहा हूँ नोवोलाइक कैसे बने। अगर बेटा जो ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल है इफ दीज मॉलिक्यूल्स एन मोनोमर्स ले टू एन मोनोमर्स ले लें इसके हम दीज कंबाइन विद ईच अदर एंड अंडरगो कंडेंसेशन, कंडेंसेशन मीन रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होगा यहाँ पर, देन व्हाट हैपेंस द पॉलीमर्स फॉर्मड आर कॉल्ड बेटा The polymer formed is called novolac. देखो कैसे 2N monomers ले लिए हमने इसके 2N monomers of this ortho hydroxy methyl phenol. Okay, ये हो गया। अब इसके 2N monomers लिए condensation हुआ, heat किया बेटा, undergo condensation. कंडेंसेशन मैंने बताया था रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगा, कितने हैं कि जितने मॉलिक्यूल है तो उनमें से एक कम होता है, टू एन माइनस वन वाटर मॉलिक्यूल, कैसे कैसे होता है देखो सपोज मैं ऐसे ले लेता हूँ ये OH दिस CH2OH अनदर मॉलिक्यूल ऐसा एडजस्ट किया हमने यहाँ पर इसके साथ दिस CH2OH क्या होगा भाई यहाँ पर एक्टिव हाइड्रोजन है दिस ऑर्थो पोजिशन पर, यहाँ से H यहाँ से OH वाटर कम जाओ ऐसे निकले मीन जो OH है CH2OH ग्रुप का OH है ये OH रिमूव हो जाएगा, ये OH रिमूव हो जाएगा, यहाँ से H रिमूव होगा, यहाँ से H जाएगा, तो क्या क्या बचेगा यहाँ पर देखो ये लिंकेज आगे हो जाएगी बेंजीन पर OH CH2 देन ये CH2 से लिंक होगा फिर बेंजीन पर OH CH2 एंड सो ऑन चलता जाएगा, मैं दो बार लूंगा ये क्योंकि मैंने 2N मोनोमर लिए तो 2 टाइम रिप्रेजेंट करेंगे, N लेते तो सिंगल मॉलिक्यूल हम दिखाते हैं ठीक है ना, तो दिस दो इसलिए ले लिया हमने कि थोड़ा आपको दिखाई दे कि चेन है इसके अंदर, यस लीनियर चेन बन रही है इसके अंदर एंड सो ऑन दिस। ओके बेटा ये ऐसे दिखाओ क्रॉस करवा देंगे हम इसको दिस CH2 देन अगेन बेंजीन रिंग
दिस इज ओ एच, दिस इज सी एच टू एंड सो ऑन. ये आगे चल जाएगा दिस एंड डाई एंड डाई. दिस इज बेटा नो ब्लैक. ये नो ब्लैक बन गया भाई. दिस इज नो ब्लैक. नो ब्लैक लीनियर चेन पॉलीमर है बेटा. दिस नो ब्लैक इज लीनियर चेन पॉलीमर. अब हमें बेटा बैकलाइट का फॉर्मेशन करना था. बैकलाइट कैसे बेटा, बैकलाइट कैसे? नो ब्लैक अगर दोबारा से फॉर्मेलिटी के साथ कंबाइन कर जाए देन बैकलाइट इज फॉर्म. तो देखो कैसे बनेगा, इसको मैं रन कर देता हूं बेटा. ठीक है, नाउ व्हेन नो ब्लैक इज फर्दर ट्रीटेड विद फॉर्मेल्डिहाइड, अगर नो ब्लैक फर्दर फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कर जाए एन मॉलिक्यूल्स ले ले एन मोनोमर्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड दैट इट विल कन्वर्ट इन OH. ये आगे चलता जा रहा है, दिस इज सी एच टू ओ एच एंड सी एच टू एंड दिस इज बेटा नो ब्लैक. अगर ये नो ब्लैक फर्दर ट्रीटमेंट करें इसकी विद फॉर्मल्डिहाइड एन मोनोमर्स ले लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड के दोबारा से देन दिस व्हाट हैपेंस, फिर से कंडेंसेशन होगा, देन कंडेंसेशन टेक्स प्लेस, कंडेंसेशन होगा बेटा. इधर कर देता हूं, इधर बच जाएगी हमारे पास प्लस फॉर्मेलिटी कर दिया मैंने यहां पर एच सी डबल बॉन्ड ओ एच एन मोन दिस प्लस दिस. ओके, ये रिएक्शन कंडेंसेशन हुआ, हीट किया बेटा इसको एंड देन व्हाट हैपन, पॉलीमराइजेशन होगा इसका, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होगा और वी कैन से को पॉलीमराइजेशन हो जाएगा. डिफरेंट टाइप के मोनोमर्स से कंबाइन करते हैं, 2N माइनस 1 वाटर मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड, ये सब कुछ हो गया. अब देखो कैसे बनेगा, दो मॉलिक्यूल दिखाए हैं, लॉन्ग पॉलीमेरिक चेन दिखानी है, एक और दिखा देते हैं, थ्री थ्री मॉलिक्यूल्स की दो चेन बनाएंगे, रिवर्स कर देंगे, एक इसमें एक और मॉलिक्यूल ऐड करके इस टाइप का बेंजीन पर OH देन CH2OH इसी टाइप का एक मॉलिक्यूल दिखाओ, एक चेन बनेगी. देखो ऐसे आपको समझ में आएगा, फिर प्लीज ये इधर आ गया बेटा, देन दिस इज सी एच, फिर सेकंड बेंजीन लिंक ओ एच देन सी एच टू, देन थर्ड बेंजीन लिंक ओ एच एंड दिस इज सी एच टू एंड दिस. मैं कह रहा था इसी के नीचे पलट के बनाओ रिंग, एक चेन बिल्कुल इसके नीचे पलट देना, इसको पलट देना भी, पलट दो ओ एच ग्रुप नीचे आ जाएंगे इस साइड केस, और ये रिंग के ऊपर थी यहाँ इधर जाएंगे देस, ये देंगे केस. ओके बेटा, देस देस देस, ये हो गया, ये सी एस टू ग्रुपिंग यहाँ पर है नेक यहाँ, देन दोबारा से फिर चेन के नीचे रिंग के नीचे रिंग बनाने की कोशिश करना, then again this, this is CH2, then this, and this is OH, then again CH2 and so on. ये चल रहा है, okay? यहाँ पर जो फॉर्मेलिटी का क्या काम है बेटा, फॉर्मेलिटी देखो ऑर्थो पोजीशन ऑक्यूपाई हो गई है सारी, OH ग्रुप इज ऑर्थो पेयर एक्टिंग, ऑर्थो पोजीशन ऑक्यूपाई तो कहां पर जाएगा ये भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहां इंक्रीज करेगा, पैरा पोजीशन से अटैक होगा यहां पर, तो मीन ये CH2 OH ग्रुप ही कहां लिंक हो जाएगी, पैरा पोजीशन पर यहां ऐसे CH2 OH CH2 OH किसी एक में लिंक करवा दें हम CH2 OH, यहां से H आएंगे हाइड्रोजन पैरा पोजीशन से, वाटर कम जाओ दोबारा से, अंडरस्टैंड किया पॉइंट या नहीं, इस टाइप से मीन सी एस टू ग्रुप की लिंकेज हो जाएगी, सी एस टू ग्रुप लिंक बिटवीन दीज डिफरेंट पॉलीमेरिक चेन लिंकेज हो गई, लिंकेज क्रॉस लिंकेज हो गई, दिस इज कॉल्ड क्रॉस लिंकेज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सी एस टू ग्रुप बिटवीन दीज बेंजीन रिंग्स बेटा, यहाँ पर बिटवीन दीज पॉलीमेरिक चेन क्रॉस लिंकेज टेक्स प्लेस एंड सो ऑन एंड सो ऑन, this is and so on, this is and so on, चलता रहेगा, this is backlight, ये क्या बन गया बेटा, backlight, this is backlight.
ओके मीन नो लैक ना नो लैक के साथ एन मोनोमर्स के साथ कंबाइन कर जाए कोपोलमराइजेशन होगा एंड दिस पेप्टाइड इज फॉर्म। अब अगर आपको ये टफ लगे कई बार बच्चों को बड़ा टफ लगता है ये तो इजी वर्क बता रहा हूँ आपको। मैंने फिनोल और फॉर्मलडिहाइड की रिएक्शन करवाई थी, रिएक्शन से दो इंटरमीडिएट बने थे, दोनों के एन एन मोनोमर कंबाइन करवा दो उनके किस किस के दो इंटरमीडिएट कौन से बने थे इस ऑर्थो हाइड्रोक्सी वन इज दिस OH ऑर्थो हाइड्रोक्सीमिथाइल फिनोल एंड अनदर इज पैरा हाइड्रोक्सीमिथाइल फिनोल। ये थी ये दोनों इंटरमीडिएट बने थे बेटा। अभी आप चाहो तो इन दोनों के एन एन मोनोमर ले लो, बिल्कुल इजी है, लो जी बात खत्म ठीक है। एन मोनोमर इसके लिए, एन मोनोमर इसके लिए कंबाइन करेंगे एंड वो कंडेंसेशन एंड देन दिस बस बिल्कुल ऐसे भी आप दिखा सकते हैं आपकी मर्जी। फर्स्ट वाले मेथड से दिखाएं, सेकंड वाले मेथड से दिखाएं, बेकेलाइट बन जाएगा। ओके नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ बेकेलाइट, क्या यूजेस हो सकते हैं बेटा बेकेलाइट के यूजेस, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉलीमर है, क्या यूजेस होंगे देखो ध्यान से इसके बेटा। यूजेस ऑफ बेकेलाइट, यूजेस ऑफ बेकेलाइट, यूजेस क्रॉस लिंकिंग है, क्रॉस लिंकिंग है तो बेटा बड़े इंपॉर्टेंट यूजेस हैं इसके, इलेक्ट्रिकल स्विचेस वगैरह जो आते हैं इलेक्ट्रिकल रोड वगैरह के लिए है ना, और इलेक्ट्रिक हीटर वगैरह यूज करने के लिए जो बिल्कुल मेल्ट नहीं होते वो स्विचेस वगैरह नहीं इसके बने होते हैं स्ट्रॉन्ग और हार्ड बेकेलाइट एंड सॉफ्ट बेकेलाइट टू टाइप्स के होते हैं। तो यूजेस ऑफ बेकेलाइट, यूजेस बेटा पहले मैं आपको सॉफ्ट बेकेलाइट के यूजेस बता रहा हूं। सॉफ्ट बेकेलाइट, तो सॉफ्ट बेकेलाइट है बेटा इज यूज्ड फॉर यूज्ड एज बाइंडिंग ग्लू, बाइंडिंग ग्लू का काम करता है फॉर लेमिनेटेड वुडन प्लेट्स, लेमिनेटेड वुडन प्लैंक्स जो होते हैं चिपकाने के लिए एंड बेटा इन वार्निशेस, वार्निश वगैरह जो लगाते हैं वार्निशेस एंड लैक्वास, वार्निशेस और लैक्वास में भी ये क्या है दिस एक्ट्स एज बाइंडिंग ग्लू जो सॉफ्ट बेकेलाइट है। बट जो हार्ड बेकेलाइट है बेटा, हार्ड बेकेलाइट बेटा दिस हार्ड बेकेलाइट इज यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ कॉम्स, कंघिया जो आते हैं कंघे आते हैं फॉर्माइका टेबल टॉप्स, फॉर्माइका टेबल टॉप्स फाउंटेन पेन जो आते हैं फाउंटेन पेन बैरल्स, ये भी बेटा हार्ड बेकेलाइट के बनते हैं बेटा। फोनोग्राफ टेप जो आती है रिकॉर्डिंग टेप, फोनोग्राफ रिकॉर्ड्स, कंप्यूटर डिस्क आती है जो बेटा कंप्यूटर डिस्क एंड इलेक्ट्रिकल स्विचेस बेटा, जो इलेक्ट्रिकल स्विचेस, स्विचेस आ गए प्लग आ गए बेटा प्लग्स हैंडल्स, हैंडल्स आ गए ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स एक्सेट्रा, इन सब में किसका यूज होता है बेटा ऑल दीज आर मेड अप ऑफ बेकेलाइट, सारे के सारे बेकेलाइट से मिलकर बनते हैं बेटा, बेकेलाइट का यूज होता है इनके प्रिपरेशन में। ओके नेक्स्ट जो हम पॉलीमर जो नेक्स्ट एग्जांपल यूज कर रहे हैं बेटा क्रॉस लिंक पॉलीमर्स का दैट इज बेटा मेलमैक, नेक्स्ट एग्जांपल इज मेलमैक, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रीजिन मेलमैक, सेकंड एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा मेलमैक, दिस इज आल्सो कॉल्ड मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रीजिन,
मोनोमर्स नेम से पता चल गया, मोनोमर्स क्या मेलामाइन एंड फॉर्मल्डिहाइड, मेलामाइन एंड फॉर्मल्डिहाइड, दीज आर द टू मोनोमर्स बेटा, मेलामाइन एंड फॉर्मल्डिहाइड, ये दोनों मोनोमर है इसके। तो कैसे, सिंपल, पहले दोनों रिएक्शन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बोथ ऑफ दीज रिएक्ट विद ईच अदर, मेलामाइन एंड फॉर्मल्डिहाइड, बोथ ऑफ दीज रिएक्ट विद ईच अदर। मेलामाइन क्या होता बेटा, सिक्स मेंबर बेंजीन रिंग होगा बेटा, अल्टरनेट पोजीशन पर, क्या अल्टरनेट पोजीशन पर बेटा दीज नाइट्रोजन एटम्स होंगे, एंड देन इसकी भी अल्टरनेट पोजीशन पर बेटा एनएच2 ग्रुप भी होगी, दिस एनएच2 ग्रुप होगा, दिस एनएच2 ग्रुप होगा। व्हाट हैपेंस इसके साथ, फॉर्मल्डिहाइड, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड HCOH, रिएक्शन टेक्स प्लेस। अगेन ये बेसिक है, इलेक्ट्रॉन रिच इन नेचर, दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, अटैक इज पॉसिबल। अगेन इंटरमीडिएट बनेगा बेटा, रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बनेगा, दिस रिएक्शन इंटरमीडिएट इज फॉर्मड हियर NH2, दिस इज, देखो ये अटैक करेगा यहां पर बेटा, लॉस होगा इलेक्ट्रॉन का, पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ पर, NH2 पर पॉजिटिव, इससे साथ लिंक हो जाएगा CH2O नेगेटिव, NH पर पॉजिटिव है, NH2 पर पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए, अपना रिमूव करने के लिए H पॉजिटिव निकलेगा यहाँ से, इस नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अटैक कर लेगा नाइट्रोजन, H पॉजिटिव निकलेगा, यहाँ OH बन जाएगा, सब पॉजिटिव चार्ज खत्म, क्या रहेगा NH CH2OH, दिस इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड, रिएक्टिव इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट बन गया बेटा, इसका अगर हम पॉलीमराइजेशन करें, इसका क्या करें बेटा, हम पॉलीमराइजेशन, इफ दिस अंडरगो पॉलीमराइजेशन, इट कैस को पॉलीमराइज, एन मोनोमर ले लें, एन मोनोमर लेके इसका पॉलीमराइजेशन कर दो, व्हाट वी गेट, इसके एन मॉलिक्यूल्स लेके पॉलीमराइजेशन करेंगे, कितने वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होंगे, एन माइनस वन वाटर मॉलिक्यूल, देखो क्या बन जाएगा बेटा, एच यहाँ से रिमूव होगा, एच यहाँ से, जहां सी एच टू ओएच वहां से ओएच जाएगा, भाई ऐसा ही मॉलिक्यूल हम एडजस्ट कर दें इसके साथ, तो इस ग्रुपिंग के साथ क्या आ जाएगा, इधर का ये ग्रुप आएगा ना, यहाँ एडजस्ट करोगे मॉलिक्यूल तो क्या आएगा, NH2 आएगा, NH2 में से H जाएगा, HOH वाटर कम जाओ, अंडरस्टैंड क्या पॉइंट, मीन जहाँ CH2OH है OH का, OH पूरी तरह रिमूव हो जाएगा, यहाँ से H जाएंगे, यहाँ से H जाएंगे, क्या बनेगा, दिस दिस इज बेंजीन रिंग है, दिस नॉट बेंजीन, दिस इज सिक्स मेंबर रिंग है, अल्टरनेट पोजीशन पे डबल एंड सिंगल बॉन्ड है, ये NH CH2 and so on, here this is NH and so on, here this is NH and so on, end time, this is beta malmic, or we can say melamine formaldehyde resin, ye ban gaya beta. Now uses, kya uses ho sakte hain beta, what are the uses of this melamine, kya uses, uses of melamine beta, uses देखिए बेटा, इट इज यूज इन फॉर मेकिंग, और यूज फॉर मेकिंग लाइट वेट क्रॉकरी, नॉन ब्रेकेबल एंड लाइट वेट, बिल्कुल ऐसे कागज जैसे आते हैं, उड़ा के उछाल के फेंक दो, कपाते हैं, ऐसे प्लास्टिक के बने हुए, टूटेंगे नहीं, प्लास्टिक क्रॉकरी, दिस, तो इसमें इसका यूज होता बेटा, यूज फॉर मेकिंग नॉन ब्रेकेबल लाइट वेट क्रोकरी, इसमें किसका यूज किया जाता बेटा, मेलामाइन का यूज किया जाता है। लास्ट एग्जांपल है आज के लेक्चर का, दैट इज यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रिज, थर्ड एग्जांपल ऑफ टुडेज लेक्चर बेटा, यूरिया इसका क्रॉसलिंक पॉलीमर्स का, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रिज, नेम से पता चल रहा है क्या, मोनोमर्स यूरिया एंड फॉर्मल्डिहाइड, यूरिया क्या होगा बेटा एंड फॉर्मल्डिहाइड, यूरिया एंड फॉर्मल्डिहाइड, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2, फॉर्मल्डिहाइड दिस
एक्स सी डबल बॉन्ड ओ एस, दिस इज फॉर्मेलिटी। फिर से भाई अटैक करेगा डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा, सभी की रिएक्शन ऐसे ही है इसमें, यहाँ से ओ एच ओ नेगेटिव, यहाँ से एच निकलेगा ओ एच बन जाएगा, क्या बनेगा ये इंटरमीडिएट बन गया बेटा एन एच टू देन सी ओ देन एन एच सी एच टू ओ एच। अंडरस्टैंड क्या पॉइंट, इसका पोलिमराइजेशन कर दो भाई, इफ दिस अंडर वो पोलिमराइजेशन हिट किया यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रीजन। अब यूजेज है इसके लेमिनेटेड शीट जो आती है भाई, ट्रांसपेरेंट लेमिनेटेड शीट यूरिया फॉर्मेलिटी रेजिंग की बनती है भाई, ओके। तो यूज फॉर अगेन मेकिंग ऑफ अनब्रेकेबल क्रॉकरी, यूज फॉर मेकिंग अनब्रेकेबल क्रॉकरी एंड लेमिनेटेड शीट्स, लेमिनेटेड सीट्स, इन सब में यूज होता बेटा क्रॉकरी, क्रॉकरी में कप वगैरह जो आते हैं, कप्स वगैरह आते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो ओके बेटा, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर बेटा। अगेन आई वांट टू टेल यू बेटा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल एंड ऑल्सो गिव योर कॉमेंट्स। कॉमेंट्स नहीं करते आप, लाइक भी नहीं करते आप, कॉमेंट्स भी नहीं करते हैं देखने के बाद भी, ओके। जब स्क्रॉल करेंगे आप सभी वीडियोस को, प्रॉपर वीडियो देख रहे हैं आप यूट्यूब चैनल पर, स्क्रॉल करो ऊपर 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 जाते जाएंगे, लास्ट में आएगा योर कमेंट, कमेंट के लिए ऑप्शन आएगा लास्ट में जाके, तो वहां पर आप कमेंट करो अपना, ओके। तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड अगेन आई वांट टू टेल यू गिव योर कमेंट्स, अच्छे कमेंट, वैल्यूएबल कमेंट दो, थैंक्स अ लॉट।